Ooh, you mean? Let me check that out. Incredible Ninja Cat video. Ooh, watch now. Let me click that. Oh my God! कैट्स जब भी गिरती है अपने पैरों के बल ही गिरती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कैट्स के इनक्रेडिबल बैलेंस के कारण है और कुछ लोग सोचते हैं कि ये मैजिक है। ये एक ऐसी चीज है जो कई सेंचुरीज तक साइंटिस्ट को भी हैरान किया है, लेकिन आखिर कैट्स ये कैसे करती है? आइए सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ टॉप ऑफ फैक्ट्स। में फ्रेंच साइंटिस्ट एटीएन जूल्स मारे एक क्रोनोफोटोग्राफिक कैमरा से ये वीडियो लिया था। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट कैट वीडियो था। उनका इरादा यह देखना था कि क्या कैट सच में एक साथ अपने चार पैरों पर उतरती है। कैट्स में एक इनबिल्ट बैलेंसिंग सिस्टम होता है जिसको राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये उन्हें अपने आप को ओरियंट करके अपने पैरों के बल गिरने में मजबूर करता है। ईयर के अंदर लोकेटेड इस वेस्टिबुलर एपरेटस का यूज बैलेंस और ओरिएंटेशन के लिए किया जाता है। ये कैट्स को एनेबल करता है यह पता लगाने में कि कौन सी डायरेक्शन ऊपर है। इससे ये अपना सिर क्विकली सही दिशा में घुमा लेती है और उसी हिसाब से बॉडी को तुरंत टर्न करके ओरिएंट कर लेती है। ओके, बट कैट्स हमेशा अपने पैरों पर लैंड कैसे करती है? कैट्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इनक्रेडिबली यूनिक होते हैं। उनके पास कोई कॉलरबोन नहीं है और 30 वर्टिब्रे के साथ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बैकबोन है। इस फ्लेक्सिबल बैकबोन के कारण ये गिरने के दौरान आसानी और तेजी से सेफली लैंड कर पाती है। देयर बैक आर्चेस पैर शरीर के नीचे जाते हैं और बचने के लिए इन्हें चेहरे के करीब लाते हैं। वेट कम होने के कारण ये अपने पैरों के बल गिरते हैं ताकि इसके गिरने की वेलोसिटी रिड्यूस हो पाए और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इम्पैक्ट रिड्यूस हो सके। बट कैट्स की सेफ्टी वो किस हाइट से गिर रही है इस पर भी डिपेंड करती है। Wait a second, how does the height of the fall affect the landing? एक स्टडी में पता चला जब कैट्स को कंक्रीट पर गिराया गया तो 90% ने सरवाइव किया, जिसमें से 37% को ही इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ी। Ooh, ouch. साइंटिस्ट को लगता है कि कैट्स जितनी ज्यादा हाइट से गिरेगी उतना ही उसे ज्यादा टाइम मिलेगा अपने आप को संभालने के लिए। ये भी माना जाता है कि उनके गिरने की वेलोसिटी मैक्सिमम 60 माइल्स पर आवर तक पहुंचती है, जो कि अगर इंसान गिरे तो 120 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है। जैसे ही कैट्स इस स्टेट में पहुंच जाती है तो वो अपने पैरों को रिलैक्स करके स्ट्रेच करना शुरू कर देती है, जस्ट लाइक अ फ्लाइंग स्क्विरल। इससे एयर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, काइंड ऑफ लाइक अ पैराशूट। कैट्स की जमीन पर पैरों के बल गिरने और सर्वाइव करने की एबिलिटी उसको शायद इसी वजह से मिली है क्योंकि वो ज्यादातर टाइम ट्रीज के ऊपर और ऊंची चीजों को क्लाइंब करके स्पेंड करती है। उनके गिरने के चांसेस रहते हैं और ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उन्हें ये एबिलिटी मिली है। पहली बार किटन्स में राइटिंग रिफ्लेक्स 3 वीक्स की एज में नोटिस की जाती है और विद इन 7 वीक्स ये पूरी तरह डेवलप हो जाती है। वैसे तो कैट्स अपने आप को मैनेज कर लेती हैं, बट हमें भी अपने कैट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो बिवेयर, ध्यान रखिए कि आपका कैट किसी विंडो से छलांग न मार दे। सीरियसली, कैट्स आर क्रेजी। अपने कैट को सेफ रखने के लिए आप अपने विंडो पर विंडो गार्ड लगवा दें। ऑल दैट असाइड, ये बहुत क्यूट होते हैं। ओह, जस्ट लुक एट देम। Oh my God, what is that? आज के लिए बस इतना ही। I'll see you in the next video. Till then, keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.